हेलो एवरीवन। सो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं T4050, इसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो इसको आप बिना ब्लूटूथ वाले साउंड बार के साथ इसको कैसे पेयर करेंगे? तो यहाँ पे टीवी का साउंड आप ब्लूटूथ विदाउट ब्लूटूथ में कैसे आप सुनेंगे, तो ये मैं दिखाऊंगा आपको पेयर करके। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो साउंड बार है, ये साउंड सिस्टम जो है, ये साउंड सिस्टम जो देख रहे हैं इसमें आपका ब्लूटूथ नहीं है। और इसको हमने क्या किया है, सो यहाँ पे ब्लूटूथ नहीं है इस साउंड सिस्टम में, ना ही टीवी में साउंड सिस्टम में, ना ही टीवी में ब्लूटूथ है और ना ही इस साउंड सिस्टम में ब्लूटूथ है। तो आपको क्या करनी है, ऐसा ऑक्स केबल आपको 200-300 रुपये में कहीं पे मिल जाएगा, आप इसको ख़रीद लें और एक पोर्ट जो है इसमें आप लगाएं साउंड सिस्टम में और दूसरा जो है टीवी में लगा के आप सुन सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका दिया गया है यहाँ पे ऑक्सीबल, तो यहाँ पे आप इसको लगा दें। अभी क्या करनी है, आपको टीवी में जानी है और सेटिंग में जाएं और यहाँ पे साउंड में जाएं और यहाँ पे देख रहे हैं आपका सिलेक्ट स्पीकर में जाके आपको टीवी स्पीकर को करके एक्सटर्नल स्पीकर ओके कर लें। तो जैसे इसको एक्सटर्नल स्पीकर आप करोगे, आपका टीवी का जो साउंड होगा वो साउंड सिस्टम जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं टीवी पे हम फोन देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप टीवी का साउंड आप इस साउंड सिस्टम पे सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।